नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। न्याय की गुहार लगाते हुए लघु सचिवालय में अपनी बच्चियों के साथ धरने पर बैठी विधवा महिला, लिव इन में रह रहे प्रेमी पर मारपीट और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया, कहा धोखे से हड़पी जमीन और जायदाद, न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला, कहा न्याय नहीं मिला तो वह बड़ा कदम उठा सकती है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भंबू की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले में गाँव ठरवी की एक विधवा महिला अपने बच्चियों के साथ आज लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गई। महिला ने एक व्यक्ति पर, गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही है, मगर वह उसके साथ मारपीट भी करता है। उसने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति के साथ वह रह रही है उसने उसे धोखा दिया है और धोखे से जमीन और जायदाद अपने नाम करवा ली, साथ ही वह उसके साथ मारपीट करता है और अपने दोस्तों को भी रात को लेकर के आता है जहाँ पर वे बैठ कर शराब पीते हैं और गाली गलौच भी करते हैं। महिला का कहना है कि वह मामले को लेकर के कई बार पुलिस अधिकारियों के पास चली गई लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। थक हार कर वह आज अपनी बच्चियों के साथ धरने पर बैठी है। महिला ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। महिला द्वारा लघु सचिवालय में धरने पर बैठने के बाद सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और पुलिस अधीक्षक इस मामले की जाँच कर आश्वासन दिया। क्या पूरा मामला है? जी मैं एक विडोजन लेडीज हूँ, मेरे दो बच्ची हैं, मैं अकेली रहती हूँ। एक आदमी हूँ जो गुरप्रीत थरवी नंबरदार मेरे साथ रह रहा है 1.5 साल से तकरीबन, और मेरी इज्जत के साथ भी। बस मेरे को तंग बहुत ज़्यादा करके मैंने मेरी जमीन जायदाद अपने नाम लगवा ली उसने सारी धोखे से भी, मैं तेरे साथ रहूँगा, और मेरे को छोड़ के वो भाग गया। तकरीबन 10-15 दिन हो गए जी, मेरे पास नहीं आ रहा कोई, मैं गांव में भी जाते मेरे घर आके मारते पीटते हैं मेरे को, ये खुद भी मेरी इज्जत से खेलता है और अपने यारों दोस्तों के साथ भी मेरे को गलत काम करवाता है। तो आपकी जमीन भी उसने नाम करवा ली? हाँ जी, मेरी जमीन भी उसने अपने नाम करवा रखी है 22 किले। तो आप कब से उसके साथ रह रहे हैं? एक गाड़ी भी है, वो गाड़ी भी उसके पास है मेरी। आप कब से उसके साथ रह रहे हैं? 1.5 साल से मैं उसके साथ रह रही हूँ। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ, मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, जब तक मेरा इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी कहीं पर, मैं और मेरे बच्चे दोनों मैं आत्महत्या करूँगी अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो। क्या, किस तरह से आप इंसाफ चाहते हैं? क्या इंसाफ चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस यही कि उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरे साथ मिलकर गलत कर। पहले भी सुसाइड करने की कोशिश? हाँ जी, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है, मैंने जहर भी खाया था उस दिन, पुलिस भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही, वो बराले की धमकी देते हैं, बराले से ये करा देंगे तेरे को नहीं हो आने, पुलिस वाले भी मेरी कोई, मेरी एप्लीकेशन भी गायब कर दी पुलिस वालों ने, सिटी थाना SHO के पास गई थी कल मैं, उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। क्या नाम है? दिलजीत कौर।